स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल रोडोली ट्रेन सेक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे बिलवई रेलवे स्टेशन से शाहगंज रेलवे स्टेशन तक जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ देखिए बिलवई रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का कार्य तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बनाने का कार्य भी चल रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं लेबर लगे हुए हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कार्य तेज़ी से हो रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लूप लाइन है उसके लिए यहाँ पर मिट्टी को समतल कर लिया गया है। सामने देखिए सिग्नल लगकर तैयार हैं और बगल में स्लीपर के ढेर सारे चट्टे लगा लिए गए हैं। रेल बेड यहाँ पर तैयार है और आगे की तरफ भी हम आपको अपडेट देंगे। यहाँ पर देखिए रेल बेड पूरी तरह से बनकर तैयार है। बगल में जो इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाते हैं उनको भी फाउंडेशन में डालने का काम कर दिया गया है। अभी इलेक्ट्रिक पोल को 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा। रेल बेड पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर देखिए डंपर से गिट्टी को लाया जा रहा है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कार्य चल रहे हैं। बिलवई से शाहगंज वाला जो रूट है हमारा, ये रूट थोड़ा लंबा पड़ जाता है, करीब 10 से 12 किलोमीटर का रूट है। यहाँ पर देखिए डंपर से जो गिट्टी रेल बेड पर लाई गई है उसको लाइन से ढेर लगा लिया गया है। अभी इसको समतल किया जाएगा, जैसा कि अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर बैलास्ट को समतल किया जा चुका है और अब इस पर स्लीपर को बिछाने का कार्य चल रहा है। आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखिए ट्रैक शुरू हो जाता है। स्लीपर बिछा कर यहाँ पर ट्रैक को बांधने का कार्य कम्प्लीट है और यह ट्रैक कार्य शाहगंज की दिशा में कंप्लीट है। आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस जो नई रेल लाइन बनी है इस पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं आगे की दिशा में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी जैसा कि आपने अकबरपुर रेलवे स्टेशन से शाहगंज के बीच में डबलिंग की ताज़ा अपडेट देखी, उसमें ज़्यादातर कार्य बिलवई रेलवे स्टेशन से शाहगंज वाले सेक्शन पर जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच में है इस पर कार्य सबसे तेज़ी से चल रहे हैं। और जैसा कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर JCB से अब जो बैलास्ट है उसको ट्रैक के बीच में भरने का काम भी किया जा रहा है। तो मान कर चलिए आप कि इस सेक्शन पर कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो जो हमारा अकबरपुर से शाहगंज वाला सेक्शन है इसमें सबसे पहले ये शाहगंज से बिलवई तक ये जो हमारा 10 से 12 किलोमीटर का सेक्शन है इसके खुलने की उम्मीद है। मान कर चलिए आप कि 3 महीने का समय यहाँ लग जाएगा इस पूरे ही सेक्शन को कंप्लीट करने में। और जैसा कि आपको अभी हम शाहगंज पर भी दिखाएंगे कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म जो नए बनाए जा रहे हैं उन पर क्या प्रोग्रेस है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसा कि कल हम आपको वीडियो में दिखाएंगे शाहगंज रेलवे स्टेशन पर जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, वहाँ पर जो स्टेशन की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं उसकी भी अपडेट देंगे। तो कल वीडियो देखना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए लेबल क्रॉसिंग पर कार्य कंप्लीट हैं और इस समय दर्शन नगर से अयोध्या वाले सेक्शन पर मेगा ब्लॉक लिया गया है, वहाँ इंटरलॉकिंग के कार्य चल रहे हैं दर्शन नगर रेलवे स्टेशन से। और अयोध्या जो हमारा अयोध्या जंक्शन वाला सेक्शन हो जाएगा दर्शन नगर से अयोध्या जंक्शन, इस पर अभी मेगा ब्लॉक के कार्य चल रहे हैं जिस कारण से यहाँ पर कई ट्रेनों को डाइवर्टेड किया गया है, कई ट्रेनें कैंसिल हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस सेक्शन पर डबलिंग का कार्य कंप्लीट है, तो अयोध्या जंक्शन पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 का कार्य चल रहा है वो भी वहाँ पर भी लूप ट्रैक को
प्लेटफॉर्म से बाहर जो हमारा लूप ट्रैक होता है वहाँ तक लूप ट्रैक को डाला जा चुका है। कैंची बिठाने का कार्य किया जा रहा है और इस समय मेगा ब्लॉक लेकर वहाँ पर इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द अब अयोध्या जंक्शन से लेकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन तक हमारा दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दर्शन नगर रेलवे स्टेशन से कटरा नवाबगंज गोंडा के लिए जो हमारा बाईपास लाइन बननी है उसके लिए भी वहाँ पर कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उसी के हिसाब से वहाँ पर कैंची वैंची बिठाई जा रही है। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद हम शाहगंज रेलवे स्टेशन पर जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसकी अपडेट हम कल आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लेवल क्रॉसिंग पर कार्य कंप्लीट है, जेसीबी मशीन से गिट्टी को भरने का कार्य किया जा रहा है जो हमारा रेलवे ट्रैक है। ट्रेन अब शाहगंज जंक्शन के नज़दीक पहुँच रही है और जैसा कि शाहगंज स्टेशन पर दो तरफ से ट्रैक आते हैं, एक जौनपुर जाफराबाद होते हुए और दूसरा ट्रैक हमारा आजमगढ़ मऊ वाला जो आकर शाहगंज रेलवे स्टेशन पर मिलता है। तो यहाँ भी जो शाहगंज से आजमगढ़ वाला रूट है इस पर जो ट्रेनें हमारी लखनऊ की दिशा में जाती हैं उनके लिए यहाँ पर लोगों को रिवर्स करना पड़ता है। मान कर चलिए कि इसमें आधे घंटे का समय लग जाता है जिस कारण से ट्रेनें और अधिक लेट हो जाती हैं। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है इस सेक्शन पर तो समय लग जाता है यहाँ पर लोगों को रिवर्स करके लखनऊ की दिशा में चलाने के लिए, या फिर लखनऊ की दिशा से जो ट्रेनें आती हैं आजमगढ़ की दिशा में जाने के लिए उनका भी लोगों को रिवर्स किया जाता है। तो अगर यहाँ पर भी किसी हिसाब से उत्तर रेलवे के द्वारा बाईपास लाइन बना दी जाए तो यहाँ पर जो ट्रेनें लेट होती हैं उन ट्रेनों को लेट नहीं होना पड़ेगा और मान कर चलिए आप कि 30 से 40 मिनट का समय बचेगा जो ट्रेनें आजमगढ़ मऊ सेक्शन से हमारे लखनऊ की दिशा में आती हैं। यहाँ पर देखिए शाहगंज रेलवे स्टेशन का यार्ड शुरू हो गया और बगल में हमारी अप लाइन बनकर तैयार है, जैसा कि अभी आपने पीछे वीडियो में देखा। यहाँ पर अभी बैलास्ट को भरा जाना बाकी है। सामने देखिए यहाँ पर कैची बिठा ली गई है और जो शेष कार्य हैं जब यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा तो इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाएंगे। बगल में नए जंक्शन बॉक्सेस लगकर तैयार हैं, लेबर लगे हुए हैं। कार्य बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं बिलवई रेलवे स्टेशन से शाहगंज वाले सेक्शन पर। और अब हमारी ट्रेन की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है क्योंकि शाहगंज में थोड़ा सा कर्व है और जिस कारण से यहाँ पर प्लेटफॉर्म में ट्रेन को लगाने के लिए मेन ट्रैक से लूप ट्रैक का सहारा लेना पड़ता है। शाहगंज में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 स्टेशन बिल्डिंग के सामने बने हैं, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 स्टेशन के पीछे बना हुआ है। उसका वीडियो भी हम आपको कल दिखाएंगे। तो जो हमारा स्टेशन भवन के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 है और उसके बाद अब वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 का निर्माण कार्य चल रहा है जो जौनपुर से हमारा रेलवे ट्रैक आता है लखनऊ की दिशा में जाने के लिए। उस पर अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 शाहगंज जंक्शन के पीछे बना है जिसे अब पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है, उस पर ट्रेनों का संचालन नहीं होता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पीछे ही नई बिल्डिंग जो शाहगंज रेलवे स्टेशन की है उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो शाहगंज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के बीच में पड़ती है अब उसे एक किनारे कर दिया जाएगा। जो हमारा अयोध्या वाली रोड गई है शाहगंज से उस किनारे पर हमारे स्टेशन की बिल्डिंग हो जाएगी और फिर मान कर चलिए आप कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे लगभग शाहगंज रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह से वहाँ कार्य चल रहे हैं इसको देखते हुए यही लग रहा है कि वहाँ पर अब 5 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि 4 प्लेटफॉर्म होंगे या 5, ये तो समय आगे आपको बताएगा।
फिलहाल अभी जिस तरह की कंडीशन है उसको देखते हुए तो लगता है कि प्लेटफॉर्म नंबर एक और जिस पर अभी ट्रेनों को लिया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन हो जाएगा, और जो सामने आप देख रहे हैं नया प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म नंबर चार हो जाएगा। तो मान कर चलिए आप कि शाहगंज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़कर चार हो जाएगी। तो कल हम आपको दिखाएंगे शाहगंज रेलवे स्टेशन पर ताज़ा अपडेट, स्टेशन पर कितना कार्य हुआ है। सामने देखिए नए प्लेटफॉर्म पर जो दीवार बनाई जाती है पीछे, उसके लिए सरिया का जाल लगाया जा रहा है और यहाँ पर दीवार को खड़ी करने का काम शुरू किया जा चुका है। और प्लेटफॉर्म के लिए जो सपोर्टर लगाए जाते हैं मिट्टी को रोकने के लिए, उस पर भी कार्य कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए जो नाले के लिए पुल बनाया जाता है वो काफ़ी लंबा बनाया गया है, जिसको देखकर लगता है कि अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी यहाँ रेलवे ट्रैक बढ़ाने के लिए तो उधर भी रेलवे ट्रैक बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि दीवार खड़ी की जा रही है तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अभी वर्तमान समय में उस साइड पर ट्रैक बढ़ाए जाएंगे, लेकिन नाले पर जो पुलिया बनाई जाती है वो काफ़ी लंबी बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म पर मिट्टी को समतल करने का कार्य कंप्लीट है। ये प्लेटफॉर्म नंबर चार या पाँच होगा, इसका अभी कुछ अंदेशा नहीं है। तो अब हम शाहगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन अमृतसर से जयनगर को जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर आ चुकी है। और सामने देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गरीब नवाज एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जिसको मैंने अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। और आप मान कर चलिए कि उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस आई और हमने उससे यात्रा की। अभी इसका लोको रिवर्स हो रहा है, जिस कारण से ये यहाँ पर खड़ी हुई है, आगे की तरफ लोको लग चुका है और ये अब आजमगढ़ की दिशा में चलने के लिए तैयार है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि समय लग जाता है लोको रिवर्स करने में। तो यह थी छोटी सी अपडेट बिलवई रेलवे स्टेशन से शाहगंज तक। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।